हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बढ़ालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शेप्स के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में, मॉलिक्यूल्स की। और आज जिन मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी आएंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जिन मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था, उसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे, कोई भी लोन पेयर नहीं था, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, सारे के सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे थे। आज हम उन मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे और ऐसे इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे जो बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल रहेगा आज की क्लास का हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। आप सभी सल्फर डाइऑक्साइड से फैमिलियर हैं। क्या फॉर्मूला होता है बताइए सल्फर डाइऑक्साइड का? सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। ठीक है, जो हम शेप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसका जो मेन आधार है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किस पे है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे। वेस्पर थ्योरी पर बेस्ड है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कि वैलेंस शेल में, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, और कितने इलेक्ट्रॉन उसके एज अ लोन पेयर पड़े रहते हैं फ्री स्टेट में। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें सेंट्रल एटम की, तो वो क्या है? सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। कॉन्फिग्रेशन क्या होती है? 2, 8, 6। वैसे हम कॉन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 ऐसे लिखते हैं, बट इस समय हमें शेप निकालनी है और मुझे बस ये पता करना है कि वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो मैं यहां से सीधा निकाल रही हूं। तो सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। मैंने उन 6 इलेक्ट्रॉन को लिख दिया इस तरीके से, ठीक है, पेयरिंग में। उसके बाद सल्फर ने जो बॉन्ड बना रखा है वो ऑक्सीजन के साथ बना रखा है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8, यानी कि 2, 6। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ऑक्सीजन बना देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, और 2 ऑक्सीजन है तो दूसरा ऑक्सीजन में यहां पे बना रही हूं 6 इलेक्ट्रॉन के साथ। अब ऑक्टेट रूल की बात करें अगर हम, तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि भाई इनको स्टेबल होने के लिए वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। तो 6 ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी हैं, 2 ये सल्फर से शेयर कर लेगा, यहाँ पे भी सेम चीज ऐसे होगी। और जब सल्फर की बात आएगी तो सल्फर भी शेयर कर लेगा। आपको पता है कि जब हम लिमिटेशन पढ़ रहे थे ऑक्टेट रूल की, तो वहां पे मैंने डिस्कस भी किया था ये चीज कि भाई जैसे सल्फर जो होता है ये अपनी ऑक्टेट को एक्सपैंड कर लेता है, ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कर लेता है, ठीक है, इसके पास डी ऑर्बिटल होता है। तो खैर उस पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम बात करते हैं सल्फर की, तो हम ये देखते हैं कि यहां पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये हम लोग रेजोनेंस में डिस्कस करते हैं, है ना, कि भाई सल्फर जो है इस तरीके से ऑक्सीजन जो है इसके साथ शेयरिंग करेगा, और सल्फर क्या करेगा, इसको अपना लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं डबल बॉन्ड और यहाँ पे हम दिखाते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फिर हमने रेजोनेंस में ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि ऐसा तो है नहीं भाई, मैंडेटरी तो है नहीं कि इसी के साथ बनाएगा, तो हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से भी दिखाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में हमें ये चीज़ पता चलती है कि भाई एक्चुअल में ना तो डबल बॉन्ड इसके साथ है, एक्चुअल में ना डबल बॉन्ड इसके साथ है, जो स्ट्रक्चर है वो इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच का कुछ इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि भाई जो डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है, डबल बॉन्ड वहाँ भी बन सकता है, और दोनों ऑक्सीजन के पास पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से दिखाया है। तो खैर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस पर आते हैं। अब देखिए क्या है, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि भाई एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन मिलके बनाते हैं, तो इन्होंने बना लिया एक बॉन्ड, इन्होंने बना लिया एक बॉन्ड। तो इस तरीके से सल्फर ने दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है, भले ही पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है बट अटेन कर रखा है, मान लीजिए फॉर सम टाइम। तो अब देखिए क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, आप याद करिए, हमने एक एग्जाम्पल आई गेस BF3 का डिस्कस किया था। तो जब BF3 का हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। कॉन्फिग्रेशन क्या होती है? 2, 3। बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 3, और फिर 3 फ्लोरीन आए थे, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए।
और मैंने आपको ये कहा था कि भाई जब हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बात करते हैं, तो ये कहती है कि भाई जितने भी बॉन्ड बनने हैं, ठीक है, वो या जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहेंगे, बॉन्ड भी छोड़ो क्योंकि अभी लोन पेयर में हम स्पेसिफिकली बॉन्ड नहीं बोल सकते, लोन पेयर भी अपना रोल प्ले करते हैं, तो जो भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस हिसाब से, इलेक्ट्रॉन पेयर इस हिसाब से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में मैक्सिमम एंगल रहे और मिनिमम रिपल्शन रहे। तो जब तीन बॉन्ड बने थे तो हमने क्या कहा था कि इसको हम एक स्फीयर की तरह मानेंगे, इसके सरफेस पे हम ऐसे इमेजिन करेंगे। तो हमने कहा था कि भाई अगर तीन बॉन्ड बन रहे हैं तो एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो सर्कल को हम तीन इक्वल पार्ट में कैसे बांटे कि तीनों में मैक्सिमम एंगल आए, तो हमने कैसे बांटा था 120 डिग्री। यहाँ पे भी सेम चीज वही है, क्या है, सल्फर एक तो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, एक इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और एक यहाँ पर है लोन पेयर। और मैंने आपको इसके पोस्टुलेट्स में बताया भी था ये बात साइलेंट फीचर्स में कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। ये बात हमने डिस्कस की थी, ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में। तो अब आप खुद देखिए, यहाँ पर आपको बॉन्ड ऐसे इलेक्ट्रॉन भी दिख रहे हैं जो बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिख रहे हैं, और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर भी दिख रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, इनको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ पे होता है रिपल्शन। और ये क्या करेगा, ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा कि इनके बीच में मैक्सिमम एंगल रहे। अगर आप इसको अभी देखो तो ये 90 डिग्री पे है, और 90 डिग्री में क्या होता है, मैक्सिमम रिपल्शन, मैक्सिमम रिपल्शन होगा। तो अब ये अपने रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, और इसकी जो आपको दिखाई देगी शेप वो इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। अगर आप देखो तो ये आपको थोड़ा बहुत सिमिलियर किससे दिखाई देगा, BF3 से, इसलिए मैंने यहां पर BF3 का एग्जांपल डिस्कस किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसकी शेप क्या है, तो इसकी शेप आप क्या बताएंगे, आप इसकी शेप बताएंगे एंगुलर, एंगुलर शेप, ठीक है, आप इसको बेंट शेप भी कह सकते हैं, वी शेप्ड भी कहते हैं, आपको देख भी रहे होंगे जैसे ये वी होता है ना, अगर इस वी को मैं उल्टा लिख दूं तो ये क्या है, आपको वी शेप दिखाई दे रहा है, तो इसको हम वी शेप्ड भी कहते हैं, ठीक। अब सवाल ये आता है कि इसका अरेंजमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि BF3 का था, और BF3 में जब हमने बात की थी तो यहां पे जो बॉन्ड एंगल था वो था 120 डिग्री का, यहाँ पे जो एंगल था वो सारे के सारे क्या थे, 120 डिग्री के थे। अब सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पे भी जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री पाया जाएगा। वीडियो को पॉज करके सोचिए और खुद ही आंसर करिए कि हाँ ना, क्या लगता है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा था, बॉन्ड पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा था, बॉन्ड पेयर, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन कैसा था, बॉन्ड पेयर। अब आते हैं यहां पर, यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, ठीक है, कुछ और मतलब नहीं है इसका। यहां पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, बॉन्ड पेयर, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड नहीं बना रहा, ये क्या है, लोन पेयर। यहां पे तीनों बॉन्ड पेयर थे जबकि यहां पे क्या है, दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन इसके मुकाबले ज्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोन पेयर जो है इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, पुश कर रहा है। तो ये वाला जो बॉन्ड है 120 से थोड़ा सा जो है वो कम हो जाता है, और बहुत स्लाइटली कम होता है, 119.5 डिग्री, 119.5 डिग्री मात्र, ठीक है, 0.5 डिग्री का चेंज आया है, बट आया है। और वो क्यों आया है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर के मुकाबले। तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे और इसका एंगल हल्का सा क्या कर देंगे, कम, ठीक है, नोट करिए इसको।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ जिसमें काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखिए, एक होता है बेटा ज्योमेट्री और एक होता है शेप। कई बार क्या होता है बुक्स में ना, कई बुक्स में आप अगर अच्छी बुक से नहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें काफ़ी आपको गलतियां देखने को मिलती हैं, मिसप्रिंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये बात अच्छे से समझ लेनी है कि ज्योमेट्री और शेप एक चीज़ नहीं होती। ज्योमेट्री अलग है, शेप अलग है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, मतलब उनके अंदर जो है वो किस तरीके से अरेंजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का या इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उनका क्या अरेंजमेंट है। तो जब भी हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इनका टोटल बताते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्री आप टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर देखकर बताते हो, आपको इससे मतलब नहीं होता ज्योमेट्री बताते समय कि लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, कितने वो बॉन्ड बना रहा है, कितने लोन पेयर है। नहीं, जब भी आप ज्योमेट्री बताते हो, ज्योमेट्री बताते समय हमेशा आपको टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर काउंट करने होते हैं। और जब हम बात करते हैं शेप की, तो शेप का मतलब ये होता है कि उसका बाहरी आकार कैसा है, वो दिखने में कैसा है। समझ में आया? अगर हम दो लोगों को देखें, हमें एक मोटा दिखाई देगा, एक पतला दिखाई देगा, पर क्या हमें अंदर पता है कि उनकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है? नहीं पता है ना। तो शेप मतलब कि वो बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है। तो जब हम शेप की बात करते हैं तो शेप में हम सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखते हैं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, लोन पेयर को नहीं देखते। ठीक है, तो अब देखिए, जब मैंने बात करी आपसे BF3 की, तो BF3 इस तरीके से था, ठीक, और मैं अगर इसके कॉर्नर्स को ऐसे मिला दूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जो कि एक प्लेन में है। आपको कैसी ज्योमेट्री दिखाई दे रही है? इस तरीके से ज्योमेट्री दिखाई दे रही है, ऐसी। समझ में आया? तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो यानी कि इसको मैंने नाम दे दिया ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है? ठीक है, बट अगर मैं बात करूं किसकी, SO2 की। हमने आज एग्जांपल डिस्कस किया SO2 का। SO2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर मैं इसकी ज्योमेट्री पूछ लूं आपसे कि भाई बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री के समय आपको क्या देखना है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। आप क्या देखोगे कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आप देख रहे हो तो आपको कैसी दिखाई दे रही है ज्योमेट्री, आपको ज्योमेट्री दिखाई दे रही है ऐसे ही। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या रहेगी, वो आपकी रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये 100% ट्राइगोनल प्लेनर है, तो आप बैठ के सोचोगे कि भाई ट्राइगोनल प्लेनर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो सारे के सारे बॉन्ड एंगल कैसे होते हैं, 120 डिग्री। अगर आप एग्जैक्ट ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। बट अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या मेरा बॉन्ड एंगल यहां पर इस केस में, SO2 के केस में 120 डिग्री आया था 120 डिग्री? नहीं आया था। तो यहां पे हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, डिस्टॉर्टेड, कि वो प्योर ट्राइगोनल प्लेनर ना होके थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, थोड़ा सा खराब सा है, कुछ उसमें क्या बोल सकते हैं, डिफेक्ट आया हुआ है। ठीक है, और जब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग शेप की, तो शेप में आपको बॉन्ड पेयर देखने होते हैं, आपको लोन पेयर नहीं देखने होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, इस तरीके से ऐसे है ना ये, ठीक, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, लोन पेयर को हटा दो, वो कंसीडर नहीं करना, सिर्फ आपको ये देखना है। तो यहाँ पे आपको जो शेप है वो कैसी दिखाई दे रही है, आपको बेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि ये तो लीनियर होती है ना, तो यहाँ पे फोर्स लगा तो ये क्या हो गया, ये बेंट हो गया, मुड़ गया, तो आपको बेंट दिखाई दे रही है, आपको एंगुलर दिखाई दे रही है, आपको वी शेप दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो क्या रहेगी, वो रहेगी एंगुलर, वी शेप्ड या फिर बेंट। तो आपको ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपका बेस बनाती हैं, आपको इनमें डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, बाय चांस
मान लीजिए आपको जैसे ये बात पता है कि भाई इसकी शेप जो है वो एंगुलर है, वी शेप्ड है। कई बार क्या होता है, हम कोई एग्जाम दे रहे होते हैं कॉम्पिटेटिव और पेपर में ही मिसप्रिंट आ जाता है। पेपर में क्या आ जाएगा बताइए भाई, इस फॉलोइंग जो एसओ टू है इसकी कौन सी फॉलोइंग ज्योमेट्री रहेगी, और ज्योमेट्री में ही आपको ऑप्शन दे रखे होंगे चार, जिसमें से एक ऑप्शन होगा एंगुलर। उस केस में आपको बैठ के एक वो नहीं हो जाना रिजिड कि भाई ये क्या आ गया, उन्होंने क्वेश्चन गलत भेजा है तो वो उनकी जिम्मेदारी है, बट हमें अपनी तरफ से सही आंसर टिक करना है। ज्योमेट्री में अगर आपको ट्राइगोनल प्लेनर का ऑप्शन दे ही नहीं रखा और इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको दे रखा है तो आप इसको टिक करके आइए। आपसे शेप पूछी है और शेप में एक जगह दे रखा है ट्राइगोनल प्लेनर, एक दे रखा है एंगुलर, एक दे दिया टेट्राहेड्रल, एक दे दिया कुछ ऑक्टाहेड्रल। तो जब शेप पूछी है और अगर ये ऑप्शन दे रखा है तो इसी को ही टिक करके आइए, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल रहिए, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा भाई अगर हमें पता है कि भाई उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया, ज्योमेट्री लिख दिया, कोई बात नहीं, ऑप्शन सही दिया है ना, आप ऑप्शन सही टिक कर कराइए, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा है, हेडिंग डाल लीजिए अमोनिया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अमोनिया। तो जब हम बात करते हैं अमोनिया की, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इसमें भी एक लोन पेयर आ जाता है, ठीक है। तो आप देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, कॉन्फिगरेशन 2-5, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई इसके, 5। तो मैं पहले सिंपल बना रही हूँ क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं ना, अभी तो हमें नहीं पता कि शेप कैसी होगी, तो ऐसे पहले रफली बना के देख रहे हैं। फिर उसके बाद है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर है 1, तो इलेक्ट्रॉन है 1। मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। 3 हाइड्रोजन है तो मैंने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब देखो इसने बॉन्ड बना लिया, इसने बॉन्ड बना लिया, इसने बॉन्ड बना लिया। ना क्वेश्चन इज दिस कि NH3 यानी कि अमोनिया, उसकी शेप या ज्योमेट्री जो कुछ भी है फलाना ढंग का, क्या वो इस फॉर्म में रहता है? तो आंसर है नहीं। उसकी क्या ज्योमेट्री रहेगी वो डिसाइड करेगा कि इस सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ज्योमेट्री टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से फाइंड आउट की जाती है। तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। चार में याद करिए मीथेन का एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। चार बॉन्ड जब बने थे तो वो चार बॉन्ड अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनमें मैक्सिमम एंगल रहे, और यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनी थी हमारी वो बनी थी कौन सी, टेट्राहेड्रल। एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल में, 109.5 डिग्री। सो दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑब्वियसली बात है इसके साथ भी कोई भेदभाव तो होगा नहीं। अगर इसके पास चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ये क्या एक्वायर करने की कोशिश करेगा, ये एक्वायर करने की कोशिश करेगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो नाइट्रोजन रहेगा सेंटर में, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, और यहां पे आ गया लोन पेयर। अब सवाल ये आता है कि क्या इसकी जो ज्योमेट्री है वो परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, इसकी जो ज्योमेट्री है क्या वो परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तब बनती है जब चारों बॉन्ड पेयर हो इलेक्ट्रॉन के, और यहाँ पे चार बॉन्ड पेयर ना हो के 3 ही बॉन्ड पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के और एक लोन पेयर है। तो इसकी जो ज्योमेट्री हम बताते हैं वो हम बताते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक। और अगर मैं पूछूं शेप के बारे में तो शेप जो है इसकी, शेप में क्या करेंगे, लोन पेयर को नहीं देखेंगे, लोन पेयर को इग्नोर मारेंगे, लोन पेयर को इग्नोर मारेंगे तो आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है। अगर आप लोन पेयर को इग्नोर मारते हो और इसको जोड़ के देखो तो आपको एक पिरामिड सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे होते ना पिरामिड, देखे भी होंगे आपने मिस्र के पिरामिड, पढ़ते भी हैं हम, है ना, इस तरीके से होता है। तो पिरामिडल है इसकी शेप। अब आते हैं हम इस चीज पे कि क्या इसके बॉन्ड का एंगल जो है, ठीक है, बॉन्ड एंगल जो है वो टेट्राहेड्रल ही रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है मैंने आपको बताया था यहां पे क्या आ गए, यहां पे आ गए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर,
इधर क्या आ गया, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्शन रहेगा, जबकि सारे यहां पे क्या थे, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। इतनी बात क्लियर है। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे फोर्स एग्जर्ट करेगा और इसे अंदर की तरफ थोड़ा सा बेंट कर देगा। तो यहां पे जो एंगल रहेगा वो एंगल क्या रहेगा आपका, 107 डिग्री। समझ में आया? ठीक है। तो यहां पे जो आपको आपको इन मॉलिक्यूल के ना बॉन्ड एंगल जरूर याद रखने हैं, पेपर में शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, ये सब चीजें पूछ ली जाती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो नोट करिए इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा जल ही जीवन है, वॉटर का। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा वॉटर का, H2O। सेंट्रल एटम कौन है इसमें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पकड़ेंगे सबसे पहले। एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिग्रेशन क्या रहेगी, 2-6। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को हमने लिख दिया इस तरीके से। अच्छा, आपको पता है ये बात, मैं ऐसे अभी लिख रही हूँ समझाने के लिए आपको, आपको ये बात पता है कि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन है और इसको ऐसे दिखा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 थे ना, तो मैंने दो को, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है जिनको दो दो के पेयर में दिखा दिया, एक सिंगल यहाँ, एक सिंगल यहाँ। फिर हाइड्रोजन के पास एक ही होता है इलेक्ट्रॉन, उसको हमने दिखा दिया इस तरीके से। ठीक, तो सवाल ये आता है कि क्या वाटर की ज्योमेट्री या फिर शेप लीनियर होती है, तो आंसर है नहीं। यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर आ जाते हैं, और आपको क्या पता है लोन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा रिपेल करते हैं, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, मतलब सबसे लीस्ट इसमें, सबसे मैक्सिमम इसमें। तो होता क्या है, ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इनके रिपल्शन के साथ साथ यहाँ पर क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपल्शन रहेगा। लोन पेयर तो कर ही रहे हैं एक दूसरे को रिपेल, ये तो कर ही रहे हैं एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश, साथ ही के साथ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो के जो इलेक्ट्रॉन है इनमें भी रिपल्शन है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर लोन पेयर सबसे मैक्सिमम रिपल्शन करता है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो डोमिनेट करता है उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये क्या करता है कि इतना ज़्यादा रिपल्शन करता है, यहाँ पे इतना फोर्स एग्जर्ट करता है कि ये लीनियर ना होकर कैसा रहेगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे भी बेंट या फिर एंगुलर शेप देखने को मिलती है, और इस तरीके से ऑक्सीजन जो है उसके लोन पेयर रहते हैं। ठीक है, मैं अभी एक और बार इसकी ज्योमेट्री लिखूंगी, शेप लिखूंगी, दोबारा ड्रॉ करूंगी इसको। ठीक है, अब देखिए क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्योमेट्री में हमने क्या चीज डिस्कस की थी कि हम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करते हैं। तो एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, एक पेयर यहां रहेगा और एक पेयर यहां रहेगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में कैसी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल, इस तरीके से होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, है ना। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के हिसाब से अगर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अरेंज करूं तो क्या होगा, बीच में आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पे मैंने दिखा दिए दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे दो पे हम क्या दिखाएंगे, लोन पेयर। अब ऐसे मत समझ लेना कि भाई ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर पास पास आ गए, पास पास नहीं आए हैं ये, दूर दूर ही हैं। ठीक है, दूर दूर ही हैं ये, वो बस हमने उसको ब्लैक बोर्ड पे बनाया तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, इस तरीके से होता है ये। 4 बलून्स ले लीजिए और उनको आपस में बांध के ज़मीन पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, कहीं पे भी हो सकता है हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, तो ये भी एक दूसरे को मैक्सिमम एंगल पर एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से इन्होंने ज्योमेट्री अरेंज कर रखी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब क्योंकि लोन पेयर आ गए दो और लोन पेयर एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करते हैं, तो ये इतना ज़्यादा रिपेल कर देते हैं कि जो नॉर्मली टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है,
109.5 डिग्री होता है ना। तो पर इधर दो लोन पेयर की वजह से रिपल्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो 109.5 से कम हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 104.5 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एंगल की वैल्यू मत भूलना। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो अगेन अरेंजमेंट तो उसका टेट्राहेड्रल के हिसाब से ही हुआ था, बट क्योंकि उसमें अब दो बॉन्ड है और दो लोन पेयर है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड। तो ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी इसकी। ठीक, और अगर हम शेप की बात करेंगे तो शेप में हम लोन पेयर को नहीं देखते, इग्नोर मारते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखते हैं। तो आपको कैसी दिखाई दे रही है, आपको इसकी शेप दिखाई दे रही है एंगुलर, ठीक है, आपको इसकी शेप दिखाई दे रही है बेंट, इस तरीके से। क्लियर है, ये ज़रूर याद रखिए क्या शेप है क्या ज्योमेट्री है, ये ज़रूर याद रखिए कि इनमें क्या एंगल है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है, यहाँ पे वी शेप भी लिख लेना, इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लोग डिस्कस करेंगे, वो रहेगा SF4। सेंट्रल एटम कौन सा है बताइए जल्दी से, सेंट्रल एटम है सल्फर। ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। कॉन्फिग्रेशन क्या रहेगी, 2, 8, 6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के, 6, तो मैं लिख रही हूँ 6। चार बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, चार ये हो गए, 5, 6 ये हो गए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। कॉन्फिग्रेशन हो गई 2, 7। फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, तो फ्लोरीन दिखा देते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। ये मैं अभी रफ बना रही हूं, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ही ऐसा कर रही हूं कि पहले रफ बना रही हूं फिर एग्जैक्ट बना रही हूं, ताकि आपको पता रहे, आइडिया रहे। अब देखिए क्या है, इन्होंने बना लिया एक बॉन्ड, इन्होंने बना लिया एक बॉन्ड, यहां पे एक बॉन्ड, यहां पे एक बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो सेंट्रल एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 5। अब याद करिए कि 5 में क्या ज्योमेट्री बनाए हम, 5 में एक ज्योमेट्री तो ये बन सकती है पेंटागन वाली, पर इस महाशय के पास तो एक दिक्कत ये पड़ जाती है, क्या पड़ जाती है बताओ, बॉन्ड एंगल इस बेचारे का इतना क्या हो जाता है, कम, 72 डिग्री, 72 डिग्री। और हमारी प्रायोरिटी ये है कि भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनको मैक्सिमम एंगल पे रखो, कम एंगल पे नहीं रखना है, मैक्सिमम एंगल पे रखना है। तो हमने क्या पढ़ा था, याद करो, PCl5 पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या करा था, हमने जुगाड़ किया था, हमने कहा था कि भाई जो फॉस्फोरस है उसमें 3 क्लोरीन जो है उनको इस तरीके से दिखा दो इक्विटोरियल पोजीशन पे, ताकि एंगल कितना रहे, 120। अब देखो 72 से 120 पे पटक दिया हमने मैक्सिमम एंगल, और 2 क्लोरीन जो हैं उनको दिखा दो परपेंडिकुलर, कि एक बॉन्ड ऐसे और एक ऐसे, तो ये दोनों रहते हैं 90 डिग्री पे। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसका TBP स्ट्रक्चर बनाया था, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर। दो एंगल यहां पर एग्जिस्ट कर रहे थे, एक 90 डिग्री का और एक 120 डिग्री, जो भी था जैसा भी था, 90 और 120, 72 से तो ज्यादा ही था, 72 से ग्रेटर था, ज्यादा था। तो सेम चीज इसके साथ भी है, इस सल्फर के पास सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कितने हैं, 5। कितने दिखाई दे रहे हैं, 5। तो अरेंजमेंट जो रहेगा वो हमारा इस प्रकार ही रहेगा। ये तो इसके तो फेल है, ये तो बर्बाद है, इसको तो हटाओ रास्ते से, उसको तो देखो ही मत। ठीक, तो अरेंजमेंट हमारा रहेगा ये। अब आपकी मर्जी से नहीं करना है कि जो इच्छा है उसको रख दो, ऐसा नहीं। यहां पे अब ये चीज देखी जाएगी, दिमाग यूज किया जाएगा कि हमने पढ़ा है वेस्पर थ्योरी में कि लोन पेयर एक दूसरे को सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को सबसे ज्यादा रिपेल करेगा सेकंड नंबर पे,
और थर्ड नंबर पे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन रहता है। तो लोन पेयर और लोन पेयर तो है नहीं, दो लोन पेयर होने चाहिए ना इसके लिए। तो अब अकेला क्या लोन पेयर शो करेगा, पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहां पर हो सकता है क्योंकि एक लोन पेयर आ गया और बॉन्ड पेयर तो है ही यहां पर। तो अब आपको यह देखना है कि अरे यहां पर तो सेकंड नंबर का लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ गया है, तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जगह कौन सी है। घर में गेस्ट को रुकवाना है, घर में गेस्ट आए हैं और हमें घर में गेस्ट को रुकवाना, तो देख के बताते हैं ना भाई इस कमरे में आज ठहर जाओ, है ना, तो देखना पड़ता है ना, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो जो हमारी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री है इसमें दो ही एंगल हैं, और क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, इसलिए हम क्या करेंगे उसको ऐसी पोजीशन पे रखेंगे जहां पे मैक्सिमम एंगल हो। मैक्सिमम एंगल कौन सा है, 90 डिग्री बड़ा होता है कि 120 डिग्री बड़ा होता है? ऑब्वियसली बात है 120 डिग्री बड़ा होता है। तो जो लोन पेयर है वो कहां पे रखा जाएगा, वो लोन पेयर रखा जाएगा यहां पर, इन्हीं के बीच में तो है 120 डिग्री, ऐसे बनाते हैं ना, तो इन्हीं के बीच में है 120 डिग्री, तो यहीं पे है आपके पास चॉइस, या तो यहां रख लो या यहां रख लो या यहां रख लो, तो मैं यहां रख रही हूं, ठीक है। और बाकी के ये हो गया हमारा बीच में सल्फर, और बाकी के क्या है, फ्लोरीन, इनको रख दो यहां पर, क्लियर है, ठीक है। अगर आपसे पेपर दे रहे हो आप और पेपर में आपसे कोई बोले भाई बताओ हम ऐसे रख रहे हैं, बताओ क्या ये सही है, ऐसे रख रहे हैं हम तो क्या ये सही है, तो दिमाग लड़ाना है, ब्रेन यूज करना है। आप देखो लोन पेयर को कहाँ रख दिया इसने, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के एंगल पे, और 90 डिग्री पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो लोन पेयर को जब है चॉइस तो वहां रखो ना जहां पे मैक्सिमम एंगल है, तो हम यहां पे रखेंगे, यहां रख लो यहां रख लो यहां रख लो, पर आप यहां पे और यहां पे नहीं रख सकते। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे? देखो ये आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, यहां पे 120 डिग्री का एंगल है और यहां पे 120 डिग्री का एंगल है। आप लोन पेयर को यहां रख लो यहां रख लो यहां रख लो, कोई इशू नहीं है। अगर लोन पेयर को यहां रखा, ठीक, तो अब देखो ये ब्लू मार्कर इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे आ गया, तो ये गलत है ना, तो यहां रखना है लोन पेयर को ना यहां रखना है लोन पेयर को। लोन पेयर को यहां पे रखो कि वो मैक्सिमम एंगल पे रहे और कम से कम रिपल्शन करे अपने पड़ोसियों को, नेबरिंग बॉन्ड्स को, समझ में आया, ताकि मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आए। तो इसीलिए हमारा जो है ये सही माना जाएगा अरेंजमेंट। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर को टोटल करके बताते हैं, तो अरेंजमेंट तो इसका यही वाला हुआ है, तो ये रहेगा डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड वर्ड इसलिए लगा देते हैं क्योंकि सारे बॉन्ड पेयर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और ये इसकी वजह से रिपल्शन भी होता है। डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और अगर आपसे कोई पूछ ले शेप, तो शेप में क्या करते हैं, शेप में हम लोन पेयर को नहीं देखते, ठीक है। तो अब देखो इसको नहीं देखना, कैसे दिखाई दे रहा है, अभी तो के दिखाई दे रहा होगा ये वो होता है ना, छोटे बच्चे झूला झूलते हैं, बड़े भी झूल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दोस्त यहाँ पे बैठा होता है, एक दोस्त यहाँ पे बैठा होता है ना, और इस तरीके से अप डाउन झूला झूलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सीसॉ। इसका नाम क्या होता है, सीसॉ, ठीक। तो बस इसको इन्होंने क्या किया, ये जो आपको दिख रहा है इसको इन्होंने इस तरीके से, ठीक है, इसको थोड़ा इस तरीके से दिखा दिया मैंने, तो जो इसकी शेप होती है वो होती है सीसॉ। याद रखना SF4 की शेप होती है सीसॉ। इतना पूछते हैं ये, इतना पूछते हैं क्योंकि, और बताने के बाद भी कि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं कि इसकी शेप सीसॉ है, ठीक है, मत भूलना। जो बच्चों वाला झूला होता है सीसॉ, वो किसकी रहेगी, वो रहेगी SF4 की, ठीक है, प्लीज रिमेम्बर इट। चलिए नोट करिए इसको।
तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।